से निकल गई, रुबाब हाथ से चली गई। शोर ना करो हुर्रे, क्या हुआ? जैद बानू जान, जैद आया था। तुम्हें नहीं पता एक दूसरे से कैसी बातें कर रहे थे। फिर तुम इस घर में क्या कर रही हो हुर्रे? उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, अपने आप को काला किया हुआ था, मैंने पहचाना नहीं। ठेले वाले की सूरत में आया और रुबाब की अकल चुरा के ले गया। बानू ये दोनों भागना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बानो भागना चाहते हैं, मैंने खुद सुना। खुदाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे यकीन है कि इस पापी के बेटे ने रुबाब पर जादू किया है, जादू। तेरा बुरा हो जैद, तूने खुद चाहा था। कैसे भाग सकेंगे और कहाँ भागेंगे? कब फरार करने वाले हैं? कब और कहाँ मैंने नहीं सुना बानो। रुबाब को पता चला कि मैं सुन रही हूँ, वो चुप हो गई। क्या करे बानो? मालूम है हुर्रे कि मैं अपनी पारा जिगर को उस चमार के हवाले नहीं करूँगी। अब जबकि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो आटा पीसने वाला अबू नवाज याद है तुमको? अबू नवाज अब तक मर गया होगा बानो। वो कुत्ते की जान रखता है हुर्रे, जल्दी नहीं मरेगा। तुम उसकी आटे की चक्की में चली जाओ, अगर जिंदा हो तो मेरे पास ले आना। क्या हुआ, बैठ क्यों गए? मश करने को दिल नहीं कर रहा हमजा। कहाँ चढ़ने गया है तुम्हारा दिल? हंसने और मजाक उड़ाने की जगह मुझ पर जुर्माना लगाओ। ओ क्या नाजुक दिल है, कैसी सच्ची बात है कि आशिक का दिल टूटने वाला होता है। हमारे दिल फौलाद जैसे होने चाहिए, न ढेले जैसे। मुजाहिद दुल दिमाग न रखता हो तो राह खुदा में जिहाद कैसे करेगा? मुझसे कह दीजिए कि मैं इस लायक नहीं और मुझे निकाल दीजिए। मैं आपके इस जिहाद में किसी काम का नहीं। नहीं, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, एक हकीकी मुजाहिद तो आशिक होने का हक नहीं रखता। जिहाद की पहली शर्त भी इश्क है दिलावर। मुजाहिद आशिक होता है, इश्क बगैर अपनी जान गंवा देना कोई अक्ल की बात नहीं। बस जान गवा देना है। बस करो हमजा, बहुत हो गया। आजकल जिसके सामने अपने दिल की बात बताता हूँ मुझे नसीहत करता है तकवा और इश्क खुदा की। हमें जानता हूँ एक हकीकी मुजाहिद का दिल इश्क खुदा से भरा होता है। सब मुझे मलामत करते हैं कि क्यों रुबाब नामी लड़की का आशिक हो गया। नहीं जानता किस चीज की कसम खाऊं कि आपको यकीन हो जाए मैं अभी भी अपने अहद पैमान पर बाकी हूँ। रुबाब का इश्क मुझे जिहाद के रास्ते से नहीं रोकेगा हमजा। जिसने भी तुम्हें रोका है अच्छा नहीं किया। उठो, खड़े हो जाओ, बनाओ अपने आप को। मुझे छोड़ दो, मेरे बस की बात नहीं है। फिर रुबाब की रुकावट का इंकार न करो, जब कुछ होने से पहले ही तुम्हारा ये हाल हो चुका है।
तो नहीं मालूम कि आगे चलकर तुम क्या कर सकोगी। हमजा, जैद अब जान तोड़ कोशिश करेगा और ये साबित कर देगा कि ये भी अली के शहदा जवानों से है। कहो के सब जमा हो जाएं और जैद के फने जंग का मुजाहिरा देखें। सलाम अलैकुम उस्ताद। अलैकुम ए हाजर के दिलावर बेटे, कैफल हाल या अखी? खुदा का शुक्र है उस्ताद, माफ कीजिएगा, मैं अंसार मुख्तार हूँ। जिम्मेदारी को अंजाम देने में सुस्ती और बहाने से काम नहीं चलेगा। वो बहादुर जो कल तक लोहे को मोम करता था, आज शिकस्त हाल दिखाई देता है। तुमने अपने बाल क्यों नहीं उतारे? आखिर तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? मुख्तार को सुस्त और निकम्मे मुरीद की जरूरत नहीं है। ये सुस्ती और काहिली मश्क ना करने का नतीजा है। उस्ताद, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, जरूर कोई दर्द मेरे सीने में जिसने मुझे इतना जलील और हकीर कर दिया। बताओ इन सब के सामने क्या दर्द है तुम्हारे सीने? नहीं, इतने लोगों के सामने बात नहीं करूंगा, मुझे आपके कान में कुछ कहना है, कुछ खुसूसी बातें हैं, तन्हाई में कहूंगा। सुना भाइयों, तुमने जैद तन्हाई में कुछ कहना चाहता है, मैं इसके साथ जाता हूँ। तुम लोग तमरे में मशगूल हो जाओ, चलो आओ मेरे साथ। सुनो बेटा, हम इस बयाबान में ऐशो इशरत करने के लिए नहीं आए हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हज्जाज के चुंगल से दूर रहकर, चलो बेटा, हज्जाज और हज्जाजियों के खिलाफ कमर बस्ता हो जाएं, मुख्तार के अज़्म को दोबारा जिंदा करें, अब्बास के अलम को ऊंचा रखें। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हमारे दिल और ईमान मजबूत न हो। तुम कुछ दिनों से बीमार, सुस्त और नामुनज़्ज़म दिखाई देते हो, ऐसा बीमार कि तुमसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं रखता। और आज जबकि तुमने अपनी ज़बान बेज़बानी से पर्दा उठाया तो कुछ समझ आई तुम्हारी बात। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं भाई, तुम अपनी कसम तोड़ना चाहते हो, खजानेदार की बेटी के इश्क में अपना ईमान बेचे जा रहे हो। क्यों बेचोताब खा रहे हो? जाओ बेचो। क्या मैं मुख्तार की पैरवी को पामाल करके शादी करूंगा? महाल है कि ये इश्क मेरे ईमान को तबाह करे उस्ताद। फिर बात क्या है? मेरी अम्मा उस्ताद, मेरी अम्मा जिस दिन से उसको पता चला है कि मैं खजानेदार की बेटी का आशिक हो गया हूँ, एक टांग पे खड़ी हो गई है कि कूफे से निकलो। कूफे से निकलो? जी उस्ताद। कहाँ के लिए? हमदान, मेरी अम्मा के कौम कबीले के। क्यों? मुझे क्या पता, शायद रुबाब को भुलाने के लिए मुझे कूफे से दूर करना चाहती। मैंने और रुबाब ने फरार करने का फैसला कर लिया है। उस्ताद, उस्ताद यकीन कीजिए, कल सारी रात खुदा के साथ राज़ो न्याज़ करता रहा हूँ, खुदा से मदद मांगी है, 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पड़ी है और हर दफ़ा रुबाब का मासूम चेहरा देखता हूँ जो इल्तिमास बरी निगाहों के साथ मुझे देख रहा है। उसने मेरे ईमान पर एतमाद किया है उस्ताद, वो मुझे यदुल्लाह कहती है। उसका एतकाद है कि खुदा ने मुझे उसको उसके माँ बाप से निजात देने के लिए भेजा है। भाई, शैतान के एक नहीं हजार चेहरे होते हैं, वो अपने चेहरे पर मासूमियत के नकाब पहनकर इंसान के दिलो दिमाग को फंसाने की कोशिश करता है। भाई मैं कहता हूँ अपने ईमान को संभालो। तुम्हें मालूम है कि रुबाब के साथ भागने का मतलब क्या है? हाँ जानता हूँ। क्या?
यानी मुझे और रुबाब को खजानेदार और उसकी यहूदी बीवी के हाथ नहीं आना चाहिए। अगर वो हमें पकड़ ले तो जिंदा जिंदा हमारी खाल उधेड़ देंगे। नहीं नहीं मेरी जान, तुम नहीं समझ रहे हो, ये बात नहीं है, बल्कि शौजफ और उसकी यहूदी बीवी नामूस के जुर्म में तमाम अलवियों के खिलाफ महाज खड़ा कर देंगे और उनकी हैसियत को बिगाड़ देंगे। अकल से काम लो जैद, इन बचगानी हरकतों से बाज आ जाओ जैद। उस्ताद अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या ये अदल इंसाफ के मुताबिक है कि इन हालात में मैं उसको अकेला छोड़ दूं कि उसके माँ बाप उसके साथ जो चाहे करें, जबकि उसकी उम्मीदें हमसे और हमारे ग्रोह से वाबस्ता हैं? क्या हम अपने मौला अली की पैरवी करते हुए अदल इंसाफ के लिए जंग नहीं लड़ रहे? जैद, रुबाब उस औरत के हाथ पली बड़ी है जिसका महर फतेह करबला है। जिस मर्द ने अपनी बीवी का महरिया खूने हुसैन से दिया हो उसकी नस्ल पर एतबार मत करो। इससे ज्यादा मेरा दिल ना जलाए। जाओ अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो। लानत हो बेईमान लोगों पर और उनके आबाओ अजदाद पर, खुश हो। हाँ, ये आवाज नर शेर की आवाज है। आ गए सीधे रास्ते पर। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर दुश्मन के घर नहीं गया। मैं जानता हूँ खजानेदार और उसकी बीवी हादसे करबला में मुलविस है। मुलविस नहीं, मुलविस ही नहीं बल्कि मार्के में शरीक थे। अफसोस कि हमारे सरदार मुख्तार के हाथ से निकल गए और टुकड़े टुकड़े होने से बच गए। अब इसमें रुबाब का क्या कसूर है कि अलवियों के गजब की आग में जले? ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर दोबारा रुबाब का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो तुम्हारी दोस्ती की कसम तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। समझते क्यों नहीं, तुम अलवी चेहरा रखते हो। नामूस चुराने की तोहमत में अलवियों की कमर टूट जाएगी। ऐसा न करो जैद, अपने जज्बात को उसूलों पर कुर्बान मत कर। नहीं कर सकता उस्ताद, खुदा की कसम, पैगंबर की कसम, ये मुझसे नामुमकिन है। ये क्या कर दिया तुम? रो क्यों रहे हो? हमारी दोस्ती की कसम, रुबाब अली की मोहब्बत में मुझसे 100 कदम आगे है। वो अली की मोहब्बत में अपना हसब व नसब छोड़ सकती है। वो मेरे साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ जिहाद करने को तैयार है। मुझ पर वाजिब है, जिम्मेदारी है कि उसको उस शिर्क व जुल्म से भरे घर से निजात दूं। शर्मिंदा हूं उस्ताद। अफसोस, अफसोस कि तुम दिल देकर अंधे हो चुके हो। इस रोने पीटने से, इस पेचीदा दलदल से बाहर नहीं आ सकते। शायद तकदीर में यही लिखा है कि हम उस्ताद मुख्तार के अधूरे काम को तमाम करें। तुम कूफे चले जाओ जैद, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूं। तुम्हारी मदद के लिए नईम के साथ कुछ लड़कों को भेजता हूं। बहुत शुक्रिया उस्ताद। अल्लाह पे भरोसा रखो। जैद, जैद, क्या हुआ है मेरे बच्चे? हर दरवाजे की दस्तक से मेरा दिल दहल जा। आखिर क्या हुआ है? तुम बताओ क्या बात है, तुम क्या करना चाहते हो? अभी भी परेशान हो? जाओ खाना पकाओ, मैं दरवाजा खोल लूंगा। नहीं, मैं दरवाजा खोलूंगी। जिद ना करो बीबी, मुझसे मिलने आए हैं। कौन मिलने आया है? हैदर, नईम, सईद, इब्राहिम और इमाद मुझसे मिलने आए हैं। इसलिए मिलने आए हैं? उनको बताया था कि हम दान जा रहे हैं, बस विदा करने के लिए आए। यकीन कर लो तुम्हारी बात पर। हाँ, सिर्फ विदा करने नहीं आ रहे, जैसा कि तुम कहती हो, चार चूजे बैठ के मंसूबा बना रहे हैं कि एक अलविदाई आशिकाना जिहाद में
खुदा के दुश्मनों में से एक दुश्मन को कम कर दें। अगर कामयाब हो गए तो क्या होगा बीबी? सलामुन अलैकुम यबन सैफ यबन असद। बताओ अब कौन सा मसला हो गया है बीबी हाजर के साथ? दुरूद हो मुख्तार के अंसारों पर। बताओ ठीक तो हो ना? अंदर आओ। ज्यादा बोलना बंद करो, बीबी हाजर सुन रही है और हालात बहुत खराब। रबाब के इश्क ने तुम्हें अंधा कर दिया है, देखते नहीं हूँ मैं तन्हा हूँ। चलो सलामुन अलैकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम बेटा हैदर, तुम्हारे नाम पे मैं कुर्बान। नजर नहीं आते हो आजकल। तौफीक नहीं हुई बीबी, बताइए क्या हाल है आपके? जमाने से इबरत हासिल करने के लिए जिंदा हूँ बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अल्लाह न करे बीबी। बेटे हैदर का भी कोई गम ना देखो। हैदर मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरी मदद करो। तुम जैद के बेहतरीन दोस्तों में से हो बेटा, मुझे बताओ तुम लोग इकट्ठा बैठ के क्या करोगे? आपकी जान की कसम बीबी, मुझे खबर नहीं। आप आमादे सफर हैं, आपसे मुलाकात और खुदा हाफिजी के लिए आया हूँ। या अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम बीबी। अलैकुम अस्सलाम बेटे। हम आपके मुजाहिम हो गए हैं, माफ कीजिए बीबी। नहीं बेटा कोई जहमत नहीं, मेरी आंखें रोशन हो जाती हैं जब अपने शिया बच्चों को देखती हूँ जिन्होंने अपनी जान खुदा दीन और कुरान के लिए कुर्बान कर दी है। आप ठीक ही दुआ है बीबी। खुदा करे आपका यकीन झूठा साबित ना हो, ये सब आप ही की मेहनत का नतीजा है बीबी। आप ही ने तो जैद के दोस्तों को मोहब्बत अली सिखाई, वरना हम लोग उसलाह कहाँ थे। खुदा आपको सलामत रखे बीबी। बीबी सुना जैद हमदान जा रहा है, क्या ये सच बात है? हाँ, कहीं तुम इसलिए तो नहीं आए हो कि हमें जाने से रोको? हम तो अपने यार की खुदाफिसी के लिए आए हैं। खुदा गवाह है हमें ये सफर थोड़ा मशकूक लग रहा है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है बीबी। अच्छा तुम्हें कुछ खबर नहीं है? किस बात की? कूफे के खजानेदार और उसकी बेटी की। क्या इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया जो अपने पैरों से जहन्नम की तरफ जा रहा है? बीबी जान आप खुदा पर भरोसा रखें, मुहिब्बाने अली के लिए जहन्नम का दरवाजा बंद है। अली के दोस्तों का उनके दुश्मनों से क्या राबता? खुदाया मैं किस जबान से कहूँ कि रुबाब हमारी जिन्स से नहीं है। हमारी जिन्स से नहीं हजरत। देख रहे हो नहीं, किसी माँ और बेटे को देखा है जो इतना एक दूसरे से दूर हो गए हों कि एक दूसरे की बातें ना समझते हों? मेरा बीबी के साथ यही मसला है। नहीं समझ आ रही किस तरह समझाऊं कि रुबाब का मसला उसके माँ बाप से जुदा है। भाई तुम ही क्यों नहीं मान जाते? क्या खुदा ने सिर्फ रुबाब ही को हल किया है? कूफे में इतनी सारी लड़कियां पड़ी हैं और तुम सिर्फ रुबाब के पीछे हो कि जिसके खानदान की बुनियाद खयानत और खबासत पर है। तुम अपनी गैरत मुझ पर मत झाड़ो। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा तुम्हारी नसीहतों पर अमल करूं। 19 बरस के बुड्ढे, मेरा मुहाकिमा करने आए हो, ऊपर जाके शरबत पी लो बाद में। बेटा नईम। बीबी जान। तुम लोग जमा होकर क्या करना चाहते हो? आप फिक्र ना करें बीबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जवानी का नशा उतारो? बीबी आप इत्मीनान रखें, हम जैद के लिए सरदार का पैगाम लाए हैं। चलो भाई। तुम लोग पागल हो गए हो? नतीजे के बारे में भी कुछ सोचा? हैदर फिर से बीबी हाजर के लाडले बन गए हो। मुझे ऐसा लगता है महफिल के बाद जाकर एक एक बात बीबी हाजर को सुनाओगे, तो अच्छी तरह सुन लो, कहीं भूल ना जाना। बातें बनाने वाले पे लानत हो। तुम सब के सब अक्ल से पैदल हो, लगता है दिमाग नहीं रखते। जाते हो तो जाओ जहन्नम में। ये भी सोचा है कि तुम्हारी इस अहमकाना हरकत से अली वालों पर कैसी कारी जर्ब लगेगी? कह दो कि अभी बड़े नहीं हुए और तुम्हें डर लगता है, बनी इसराइल की तरफ बहाने क्यों तराशते हो? जानते हो अलवियों को इससे कितना नुकसान होगा? अलवियों का खून चूसने वाली फसाद की जड़ को काटना गलत काम है। बहस न करो जैद,
हैदर का कहना गलत नहीं है, शोजब खजानेदार जैसे मलूनों का कत्ल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा ये बहाना अच्छा बहाना नहीं है। कलचियों को बदनाम करने के लिए उस्मान के कुर्ते की तरह तुम्हारे रुबाब के इश्क का बहाना लेंगे। अच्छा तो इधर क्या करने आए हो, जब तुम लोग शुरू से ही मुखालिफ हो तो आने की ज़हमत क्यों की? मुँह ना बनाओ भाई, इधारे ख्याल करना कोई जुर्म नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें इस हैरानी में अकेला छोड़ दें। और शक व तर्दीद किस चीज़ की निशानी? अलावियों की आज़ादी फिक्र की अलामत। भाई हैदर, हम लोग इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि इस चिंगारी को शोलावर बनाने से पहले अली की नज़र से देखें, ताकि इस कौम जफाकार का साया तक सफ़े हस्ती से मिटा दें। तो तलवारों को सैकल कर लो और चमकदार बना लो, क्योंकि जन्नत तलवारों के साये में है। व अजरुकुम इंदल्लाह। हैदर, तुम्हारे लिए बयात करना जरूर नहीं था, मगर इस बयात को राज में रखना जरूरी है। नया नाटक शुरू कर दिया है बीबी, ये क्या है? हमारा रास्ता क्यों बंद किया है? फातिमा जहरा की कसम, अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम सबको यहीं पर ढेर करके रख दूंगी। तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते, जब तक बताओगे नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। कौन सा धोखा? मामला तो सिर्फ बेचारे जैद के साथ विदा करने का है, जो नहीं मालूम यहाँ से किस जहन्नम में जाएगा। हर बात में शक करती हूँ बीबी। बस मैंने कह दिया। फिर तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई, क्या मतलब? जब भी मैं कोई अजीब चीज देखता हूँ मेरी दाढ़ी अजीब लंबी हो जाती है, देखो जैसे कि तुम्हारे सर पे सींग निकल आई है। ये मजाक का वक्त नहीं है इब्राहिम, बीबी हाजर की परेशानी नहीं देख रहे हो? ये बीबी हाजर के शान के खिलाफ। नहीं, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है, बताओ किस काम के लिए बैयत की है और कसम खाई है? आज है बीबी, जब तक वो अपने नतीजे पर नहीं पहुंचेगा उसको जबान पर नहीं लाना चाहिए। अच्छा तो तुम लोगों ने कोई मंसूबा बनाया है, तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे यकीन है कि रुबाब के लिए ही कोई मंसूबा बनाया। शाबाश मेरे बहादुर बेटो, शाबाश। तुम लोग अलवियों की नफरत का तौर हाजर की शिकस्ता गर्दन में डालना चाहते हो। अल्लाह न करे बीबी। नहीं, तुम कब तक इस बात को छुपाओगे? देर या सवेर सबको पता चल जाएगा। मैं भी यही समझता हूँ, बीबी हाजर तो नामहरम नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि इस जस्तजू की आड़ में कोई ऐसा राज है जो बीबी हाजर किसी को बताना नहीं चाहती। अच्छा हुआ तुम में से किसी की तो समझ में आया। ये कैसा राज है बीबी जो मुझसे छुपा रही है? जैद, जैद, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं मुर्गे बिस्मिल की तरह बालों पर मार रही हूँ? चाहती हूँ कि तुमको कूफे से दूर कर दूँ, ताकि इस हराम इश्क की आग को तुम खामोश कर दो। इश्क हराम, ये कौन सी चीज़ है बीबी? ये खुदा और मेरे दरमियान एक राज था। आओ अंधे आशिक आओ, मैं तुम पर हुज्जत तमाम कर दूं, जिसने 20 साल से मेरी कमर तोड़े रखी है, ताकि मैं अपने दिल के सारे राज तुम्हें बता दूं। अभी तक मुझे बच्चा समझती हो? हाँ, तुम एक बच्चे ही हो। अगर बच्चे ना होते तो शैतानी हवस के लिए इतनी जहमत ना करते। काश के तुम मर्द होते तो मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने बता सकती कि तुम कौन हो। चलो अंदर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम कौन हो। बेवकूफ लड़के, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि एक आदमी को कत्ल करने का मंसूबा बनाओ? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूबू इलैह, शैतान की काली फौज पे लानत, बहुत बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गई हो। मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा तो ना करो, सब तुम्हें एक मुखलिस बहादुर अलवी खातून जानते हैं, जिसको हर वक्त अली के दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने की पड़ी होती है। ये क्या बचकानी हरकतें हैं बीबी? कोई तो बताए इसके हराम क्या है, क्या माजरा है, तुम ही बता दो तनाबे जरा। दिमाग से काम लोगे तो समझ जाओगे। इश्क हराम यानी इश्क हराम यानी महरम के साथ इश्क। जैद के साथ रबाब का कोई रिश्ता है? अच्छा, मैं जब भी छींकता हूँ मेरे बाएं पैर का अंगूठा दर्द करने लगता है, इसकी क्या इल्लत है जनाब? बस तुम लोग मनहूस बातें ना करो,
तुम लोग कब तक बड़बड़ाते रहोगे? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दोस्तों के सामने इस तकलीफदार राज को बयान करूं। खूब गौर से सुनो मेरे बच्चे, 20 साल तक मैंने इस राज को सीने में छुपा के रखा है। काश मैं मर जाती उस राज को लेके कब्र में चली जाती। रुबाब से तुम्हारी शादी हराम है, ऐसा हराम जिससे आसमान के चारों सुतून लरस जाएंगे। खुदाया तू हाजर के नहस सितारे को जला दे। तुम ऐसी लड़की के आशिक हो जो तुम्हारी बहन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी मुझे यकीन हो रहा है कि बूढ़ी हो गई और अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। ये क्या पागलों का बहाना है? काश काश कोई अफसाना होता, कोई बहाना होता। शोजब खजानेदार तुम्हारा बाप है और रुबाब तुम्हारी सौतेली बहन है। तुम मारिया नसरानी के बेटे हो, उस पाकीजा औरत के बेटे जो एक रात हाजर के घर में पनाह लेने आई, तुमको जना और मर गई। गम का एक बोझ जिसे मैंने 20 साल संभाल कर रखा। अब तो सब सुन लिया ना, जाओ जाओ अपने बाप को कत्ल कर दो और अपनी बहन से शादी कर लो। तुम्हें यकीन है तुम्हारे सर पे चोट नहीं लगी और तुम्हें ज़ियान नहीं कह रही? काश मेरे चोट लगी होती और मैं अपना हाफ़ज़ा खो बैठी होती। जैद ये एक ऐसी हकीकत है जो जहर से ज्यादा कड़वी है, जहर से भी ज्यादा कड़वी। ऐ मेरे खुदा। ये कैसी काली किस्मत है, खुदाया ये तूने मुझे किस गुनाह की सजा दी है? अपनी बहन से इश्क? बीबी मैं अपनी बहन का आशिक था। हाँ शोज़ेब खजानेदार मेरा बाप है, ये कैसी मनहूस किस्मत, ये कैसा मनहूस खानदान है। वल्लाह मैं जानता था मुझसे किसी हकीकत को छुपा रही होगी, मैं जानता था। काश ये हौलनाक हकीकत छुपी ही रहती, तुम मुझे मजबूर ना करते। तुम एक ऐसी माँ के बेटे हो जिसने हुसैन की मोहब्बत की खातिर दुनिया को ठुकरा दिया। कहाँ तुम्हारी माँ की शराफत और ईमान, और कहाँ तुम्हारे बाप की कबासत? क्यों अपनी माँ के ईमान की परवाह नहीं करते? मेरी माँ की तहारत और पाकी ये जख्म नहीं भर सकती, ये बहुत गहरा जख्म है। शोज़ेब खजानेदार मेरा बाप है जिसके हाथ कोहनियों तक हुसैन और उनके साथियों के खून से भरे हैं। इस बदनामी के दाग का क्या करूं बीबी, ये मुख्तार ने कैसा इंतकाम लिया है? उसे वासिले जहन्नम क्यों नहीं किया और मुझे क्यों पनाह दी कि उसके साथियों के अतराफ की हवा को नजिस करूं? कसम खाता हूं कि मुख्तार का अधूरा काम पूरा करके रहूंगा। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है शोज़ेब, मैं ज़ैद हूँ तुम्हारा बेटा, अपने बाप को कत्ल करने आया हूँ मासूमियतों के उजाड़ने के जुर्म में, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं ज़ैद नहीं, तुम्हारा बाप एक नजिस अफसाने का किरदार हो गया था। वो हुमैरा नामी शैतानी औरत के हाथों खिलौना बन गया था। ये हुमैरा ही तो थी जिसने तेरी जिंदगी में आग लगा दी है। गुनाह शैतान के वसवसे का ही नतीजा होता है, चाहे खुदा के दरगाह से निकाला गया हो या फितनाकार औरत हो, फर्क नहीं पड़ता। शोज़ेब खजानेदार मलऊन मुजरिम है और शायद सबसे बड़ा लईन वही हो, क्योंकि एक हकीर शैतान से फरेब खा। काश किसी बड़े शैतान जैसे इकदार की हवस का धोखा खाता। लानत हो तुम पर कि इतने हकीर हो ये शोज़ेब, मेरा रास्ता छोड़ दो बीबी। क्योंकि तुम वो काम करना चाहते हो जो शैतान चाहता है। ये कीना ये इंतकाम इसका कोई सवाब नहीं है जैद, शैतान तेरे अंदर घुस गया है,
जो तुमको आमादा कर रहा है कि अपने बाप को कत्ल कर दो। उस बाप को कत्ल करना जिसने अपनी रूह शैतान को बेच डाली हो गुनाह है। तुम अपने बाप को कत्ल करना चाहते हो, ये गुनाह है। अपने आप को संभालो, मेरे रिश्ते से हट जाओ बीबी, वरना वरना क्या लामत, मुझे मजबूर ना करो कि तुम्हारी हुर्मत को तोड़ दो। तोड़ दो, हट जाओ आगे से। अली के खुदा की कसम, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं अपने आप को खुद मार डालूंगी। रुबाब, ये बागीचा नहीं है जो कुछ के अंदर आ गए हो। दफा हो जाओ रुबाब, कुछ के क्यों अंदर गया है भाई? मैं इधर किसी का खून बहाने नहीं आया, मुझे छेड़ोगे तो सीधा तुम्हें जहन्नम भेज दूंगा। रुबाब कहाँ हो? ये मकान शोजाब का है, जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो। ए सर फिरे इंसान, क्या तबेला समझ लिया है जो गधे की तरह सर झुकाए हुए बिला झिझक अंदर घुसाए हो अपनी गर्दन निउड़ाते हुए? हाँ? मैंने तुम्हें समझा दिया था और अपनी हुज्जत तमाम कर दी थी, फिर भी तुम समझना नहीं चाहते हो। अगर समझना नहीं चाहते तो ऐसा सबक सिखाऊंगा जो याद रह जाएगा तुम्हें, जल्लाद के हवाले कर दूंगा कि तुम्हारा सर जुदा करे। मैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आया, तुमने हुज्जत मुझ पर तमाम कर दी, मैं भी इताअत करने आया हूं। दफा हो जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कुछ नहीं जानता, तू निकल जा, तेरा खून बहाकर अपना घर नजिस करना नहीं चाहता। वाकई नहीं जानते, बहाना कर रहे हो? इस घर की तो ईंट ईंट खून से जुड़ी है बुड्ढे जोंक। इस सर फिरे के मुंह न लगो शौजा, इसका सर कलम कर दो ताकि इसका भी खून बहे। चलो बहाओ, बहाओ मेरा खून, मेरा सीना तुम्हारे नेजों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। मुझे मारते क्यों नहीं? चलो मारो। नहीं, वो लड़ने के लिए नहीं आया, अगर लड़ने के लिए आता तो तलवार ले आता। तुम दखालत ना करो लड़की, ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। जैद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम उनमें से नहीं हो जिनका काम चीख पुकार और हंगामा करना है। बस करो जैद, ये कोई नया खेल नहीं। खुदा की कसम, मेरी इसी इकलौती बेटी की कसम, अगर साफ साफ न बता दिया तो मैं इन्हीं हाथों से तेरा गला घोट दूंगा। बहुत जल्दी है तुम्हें सुनने की, अच्छी तरह सुन लो शोजब, मेरा दिल भर गया है और मुझे यकीन है कि रुबाब ने भी सिर्फ तफरी और वक्त गुजारने के लिए मेरे दिल को अपना खिलौना समझा। तुम ठीक कह रहे थे शोजब, जूते सीने वाले का परियों के बादशाह की बेटी के साथ कैसा रिश्ता, उसे मुझसे बेहतर दूल्हा मिलना चाहिए। मुर्दे धोने वाला गसाल तुम सबको ले जाए। तुम भी अच्छी तरह से सुन लो रुबाब, मुझे तुमसे कोई गरज नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बाप की सर्वत चाहिए थी। हाँ, मरहबा मरहबा, वाह शाबाश, ताज्जुब है कि अपनी औकात को पहचान गए और होश में आ गए। वाकियन ये बंदा तुम्हारा शुक्रगुजार है जवान। अब तुम जा सकते हो, जाओ जवान। छूटे छूटे
क्या हुआ, क्या हुआ मेरी लाडली बेटी? आ आ आ, तेरी आंखों को तो देखूं। ये आंसू तो तमाम औरतों के दिल का निचोड़ है। मैंने भी ऐसे खून के आंसू बहाए हैं। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया जैद? कैसे तुम्हारे दिल में आया कि मुझे पामाल करो बेमारिफत? तुम अभी बच्ची हो, मर्दों की बेवफाई को नहीं जानती। हवस और इश्क के दरमियान बहुत कम फासला है। जो औरत ये ना जान सके वो धोखा खा जाती है। मेरे दादा भी अच्छी तरह जानते थे कि किस तरह जबान चलाएं। वो भी अपने आप को बहादुर शेर की तरह बताते, मगर थे तो चूहे की तरह। तुम नहीं जानती बेटा, जब किसी औरत का दिल हासिल करने के लिए किसी देहात के बारे में गुफ्तगू करते थे तो किस कदर मस्ती में कह कह लगाते थे। ये मर्दों की जात है बेटा। माँ मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो माँ। ना रो मेरी बच्ची, ना रो। ये बोस, ये दर्द, ये गुस्सा खत्म नहीं होगा माँ। जैद ने मेरे दिल के आईने को जमीन पर दे मारा और उसके हजारों टुकड़े हो गए। उठो मेरी बेटी, उठो, आओ आईने में देखो मेरी बेटी। इतना अफसोस ना करो, तुम शहजादों के पास रहोगी। जैद का इश्क सिर्फ एक हवस, बहुत अच्छा हुआ कि कोई इत्तेफाक वाके होने से पहले तुम पर हकीकत जाहिर हो गई। यकीन करो, यकीन करो कि तुम्हारी खुशनसीबी उसी में है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सोचा है, हज्जाज के बेटे से तुम्हारी शादी। अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं है कि मैं किस शहर के घर जाऊं। आपका जो जी चाहे कीजिए, कुर्बानी के बकरे की तरह ताबे रहूंगी। जब अरब की मलका का ताज तुम्हारे सर पर सजाऊंगी तब तुम हीरे और पत्थर का फर्क समझोगी। अब से तुम सिर्फ अमीरे कूफा और उसके नौनिहाल बच्चे को सोचती रहोगी। अब मैं जा रही हूँ ताकि अपने दामाद को खुशखबरी दूं और उससे अच्छा सा इनाम हासिल करूं। शौजब, आखिरकार हमारी बेटी राजी हो गई, हज्जाज की बहू बनने के लिए तैयार हो गई। उसे किस चीज पर राजी करवाई है? आखिर अपना ही काम कर डाला हुमैरा। जैद का क्या किया? उस जवान की आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि मेरा दिल जल रहा है।